मेरी श्रद्धेय छात्र छात्रियाँ, मेरे सारे अभिभावकों और मुझे देखने वाले सारे दर्शकों को मैं स्वागत करती हूँ इस हिंदी व्याकरण की क्लास में। पहले मैं आप सबकी शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आप सब कोरोना को ना फैलने देते हुए घर में बैठकर आपके ऑनलाइन से पढ़ाई कर रहे हैं और साथ साथ मेरे पढ़ाई को भी ध्यान दे रहे। तो शिक्षार्थियों, ये रहा मेरा व्याकरण विभाग की द्वितीय क्लास। पहले क्लास में हम लोग भाषा के बारे में पढ़े थे, भाषा कैसे किसे कहते हैं, भाषा क्या होता है। और ये जो मेरी द्वितीय क्लास है, इस क्लास में हम व्याकरण की जो वर्ण यानी कि भाषा की जो पहली भाग है वर्ण, वर्ण के बारे में पढ़ेंगे यानी कि वर्ण कैसे हैं, किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार है और वर्ण कितना है और उसके साथ साथ मात्राएं यानी कि कौन से वर्णों का मात्रा कैसा होता है, मात्राएं जोड़ने से कैसे उच्चरित होता है उसका, तो ये सब जानेंगे। तो बच्चों आए हमारे क्लास की तरफ और जाने कि वर्ण क्या होता है। बच्चों, ये रहा हमारा आज का विषय वस्तु यानी कि वर्णमाला, यानी कि इसमें हम जानेंगे वर्णमाला कितने हैं, किसे कहते हैं, वर्णमाला कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं और उसके साथ साथ हम जानेंगे मात्राएं यानी कि मात्राएं कितने हैं, किसका मात्राएं है, ये सब जानेंगे। तो पहले आए देखो बच्चों, ये वर्णमाला के बारे में मैंने कुछ मुख्य बिंदु यानी कि मुख्य विषय वस्तु लिख दी हूँ, इसी हिसाब से हम लोग आज जानेंगे। तो पहले आए वर्णमाला। वर्णमाला बच्चों जानते हो, सारे भाषाओं को लिखने के लिए यानी कि जो हम भाषा बोलते हैं उसको लिखने के लिए वर्ण की जरूरत होता है और सारे भाषाओं का वर्ण जो लिखते हैं, वो जो लिपि होता है वो अलग अलग होता है। हमने पहले क्लास में उसके बारे में आलोचना कर चुके हैं। तो बच्चों ये आज हम हिंदी वर्ण के बारे में जानेंगे। तो वर्ण देखो बच्चों, अ आ ई छोटी बड़ी छोटी उ बड़ी उ रु ए ऐ ओ औ अं अ क ख ग घ व च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स स ह ख त्र ज्ञ स्र और ये दो है ड और ढ। तो बच्चों आप जानते हैं पहले से अ से स्र तक हम वर्ण जानते हैं। तो बच्चों आपका अभी ये लग रहा है कि ये वर्णों को मैंने ऐसा पिक्चर क्यों, ये ऐसे छवि के अंदर क्यों रखी। तो बच्चों ये रहा आपका पूरा हिंदी वर्ण अ से स्र तक, जो कि पूरा वर्ण मैंने इधर लिख दिए हैं। तो बच्चों ये वर्ण अलग अलग प्रकार का होता है। तो वर्ण जो होता है बच्चों देखो, जो वर्ण होता है इसको हम मानो कि ध्वनि का लिखने का रूप है ऐसे। जैसे कि देखो क यानी कि मैं बोली क, मेरे मुंह से निकला क ध्वनि, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे क। मैं बोली आ, हम लिखेंगे ऐसे आ। तो ये होता है वर्ण। और देखो बच्चों, हम शब्द को तोड़ सकते हैं कलश, जैसे कि क ल स, लेकिन क्या हम क को तोड़ सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि क ही एक है और ये वर्ण एक वर्ण है। तो बच्चों भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होता है, जो छोटी ध्वनि होता है, वो होता है वर्ण, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसका टुकड़ा नहीं कर सकते। तो बच्चा वर्ण क्या है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसका हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है वर्णमाला। तो बच्चों देखो वर्णमाला, मालाएं का मतलब आप जानते हो, जैसे एक एक फूल को जोड़ जोड़ कर हम मालाएं बनाते हैं, उसी प्रकार एक एक वर्ण को उसके सही क्रम से यानी कि जिसके बाद जो लिखना है उसको सही क्रम से अगर हम लिख देंगे तो वो हो जाएगा वर्णमाला। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखे अ आ ई ऐसे ऐसे करके स्र तक लिखे, यानी कि ये एक उचित क्रम से है, किसके बाद क्या आएगा ये क्रम से, तो ये होता है हिंदी का वर्णमाला। उसी प्रकार व्यवस्थित क्रम में लिखे गए वर्ण समूहों को वर्णमाला कहते हैं। अगर हम सारे वर्णों को उसके क्रम के हिसाब से लिखे तो वो बनता है वर्णमाला।
आगे वर्ण और वर्णमाला जान लिए, अभी हम जानेंगे वर्ण के प्रकार, यानी कि वर्ण कितने प्रकार का है। देखो बच्चा, हम जो यहाँ पे लिखे हो, यहाँ पे बहुत सारे वर्ण है। शायद आप इंग्लिश में भी पढ़ चुके होंगे कि लेटर्स आर टू टाइप्स, वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स। तो उसी प्रकार हिंदी में भी दो प्रकार का वर्णमाला होता है। कितने प्रकार का वर्ण होता है? दो प्रकार का वर्ण होता है। पहला वाला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे ये छवि बनाई है। देखो अ से औ तक को मैंने एक अलग से छवि में, यानी कि एक ओवल की तरह छवि बनाई है जिसके अंदर लिखूं। तो बच्चों ये होता है अ से औ तक स्वर वर्ण। अ से औ तक होता है स्वर वर्ण। आ छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, रू ए ऐ ओ औ, ये जो 11 है, ये जो 11 वर्ण है, ये होते हैं स्वर वर्ण। तो बच्चों ये जो स्वर वर्ण है ना, ये किसी के सहायता नहीं लेते हैं बोलने के समय। ये किसी के सहायता नहीं लेते। जैसे कि देखो आ किसके सहायता लेती है? सीधा मुंह से निकल आता है और कहीं से अटकता भी नहीं है। ई ई ऊ कहीं पर अटक रहा है क्या आपका सांस या हवा? तो ये होता है स्वर वर्ण, जो कि बिना किसी के सहायता से, बिना अटका हुआ से निकलता है मुंह से। उसके बाद आएंगे व्यंजन वर्ण। तो बच्चों देखो, मैंने इसको ये अलग से छवि में रखी है। क से लेकर ह तक ये होते हैं व्यंजन वर्ण। तो बच्चों देखो, जब हम इसको उच्चारण करेंगे ना क, तो देखो क के साथ अ आ रहा है और थोड़ा रुक के निकलता है क ख ग। तो बच्चे ये होते हैं व्यंजन वर्ण, जो कि स्वर वर्ण के सहायता से बोले जाते हैं। तो व्यंजन वर्ण क्या है ना, जो कि स्वर वर्ण के सहायता से बोले जाते हैं। बिना स्वर वर्ण के हम इसको बोल नहीं सकते हैं। देखो स्वर वर्ण अन्य वर्ण की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से उच्चरित होने वाला वर्ण का स्वर वर्ण कहते हैं। और ये है अ से औ तक स्वर वर्ण, जो जिसका संख्या है 11, यानी कि स्वर वर्ण हिंदी में स्वर वर्ण 11 है। उसी प्रकार व्यंजन वर्ण जो है क से ह तक, वो 33 है, यानी कि 33 व्यंजन वर्ण होते हैं हिंदी में क से ह तक। और ये बोलने के समय स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं। तो बच्चा उसके बाद देखो, ये दो वर्ण के अलावा यहाँ पे कुछ अलग लिखे हैं। देखो क्षत्र ज्ञात्र, उनको भी किसी पर रखना चाहिए। तो ये जो चार व्यंजन वर्ण है, ये है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब होता है जोड़, यानी कि जो दो वर्ण व्यंजन की जोड़ से बना होता है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखी है, दो व्यंजनों की मेल से बना हुआ व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क्षत्र ज्ञात्र, मैंने यहाँ पे इसको लिखी है। देखो क्ष क और स को मिलकर मिलाकर होते हैं, त्र त र को मिला के होते हैं, ज्ञ ज और ञ को मिला के होते हैं, और स्र स र को मिला के होते हैं। तो बच्चों ये दो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, औ के बाद अंग लिखते हैं हम। ये दोनों को किसी पे रखे नहीं, ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, तो इसको हम अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह, यानी कि ये व्यंजन के साथ कभी कभी लगकर आते हैं। उसके बाद आया ड और ढ। देखो बच्चों, हम लास्ट में लिखे हैं। तो ये दो होते हैं अतिरिक्त व्यंजन, यानी कि बोलने के समय ज्यादा सुविधाएं के लिए ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर हम ड और ढ बनाए। जैसे कि माना सड़क बोलेंगे, सड़क, अगर बिना बिंदु लगाए बोलेंगे तो सड़क हो जाएगा, ये सुनने में थोड़ी अच्छा नहीं लगता। इसलिए ड के नीचे बिंदु लगाकर ड बनाए सड़क, ताकि बोलने के समय हमें थोड़ा सुनने में अच्छा लगे। तो ये दोनों व्यंजन होते हैं, ये दोनों व्यंजन होते हैं अतिरिक्त व्यंजन, ड और ढ। उसके अलावा बच्चों, हम कभी कभी बोलते हैं चांद, सांप, वहाँ पे एक आवाज अलग सा आता है, जैसे कि हमारे नाक से निकलता हुआ नहीं लगता है, वो होता है अनुनासिक, जो कि हम चंद्र बिंदु कहते हैं उड़िया में। अंग जो होता है वो होता है अनुनासिक वर्ण। ये जब हम बोलते हैं तो मुख और नाक दोनों में से, दोनों की सहायता लेकर निकलता है, तो ये होता है अनुनासिक वर्ण। और एक वर्ण है बच्चों देखो, हलंत, जो कि हम नीचे लगाते हैं क, जब हम बोलने के समय थोड़ा छोड़ देते क ख चक, तो ये होता है हलंत। उसके अलावा और एक वर्ण आता है आ, जैसे कि ये सब इंग्लिश शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं, अंग्रेजी शब्दों में इसे कहते हैं आगत वर्ण। आगत वर्ण वंक्स वंक्स, जैसे कि बोलते हैं वंक्स,
डॉक्टर डॉक्टर वो सब होता है आगत वर्ण। तो बच्चा हम जाने वर्ण के बारे में, पहले स्वर वर्ण, उसके बाद व्यंजन वर्ण, उसके बाद संयुक्त व्यंजन, उसके बाद अयोगवा व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, उसके बाद हलंत और आगत वर्ण। तो बच्चों ये रहा पूरा वर्ण, यानी कि वर्ण जान गए आप। वर्ण होता है भाषा के सबसे छोटी इकाई, और वर्ण के क्रमिक समूहों को बोलते हैं वर्णमाला। वर्ण दो प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण अ से औतक होते हैं 11 स्वर वर्ण होते हैं, और व्यंजन वर्ण क से ह तक 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। उसके बाद संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, क्षत्र ज्ञास्र, जो कि दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। उसके बाद अयोगवाह 2 है, अंग अ, अतिरिक्त व्यंजन 2 है, ढ अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक वर्ण 1 है, आ, और उसके बाद हलंत 1 होता है, और उसके बाद आगत वर्ण होते हैं आ। तो बच्चों ये रहा पूरा वर्ण के मान लेंगे, उसके साथ साथ में बोली थी हम लोग जानेंगे मात्राएं के बारे में, क्योंकि हम जब शब्दों का प्रयोग करते हैं तब तो लगता है ना आपको ये वर्ण नहीं आते, उसके साथ कुछ और आता है। जैसे कि हम बोले किसान, किसान बच्चों देखो क स न हम जाने थे, लेकिन की सा ये जो आते हैं इसका तो कुछ नाम होगा ना। तो बच्चों वो होते हैं मात्राएं, मात्राएं लगाकर हम विभिन्न शब्द बनाते हैं, जैसे विभिन्न वस्तुओं या चीजों का अर्थ हमें पता चलता है। तो मात्रा बच्चों किसका होता है ना, जो हम स्वर वर्ण यहाँ पे लिखे हैं अ से औ तक, इन्हीं स्वर वर्णों का ही मात्रा प्रयोग होता है हिंदी में। अ से औ तक स्वर वर्णों का मात्रा हिंदी में प्रयोग होता है, लेकिन सिर्फ अ का प्रयोग नहीं होता है, ये सारे व्यंजनों के मेल में ही रहता है, उसको हम अलग से नहीं बता सकते हैं। बाकी जो रहा आ से औ तक, ये जो 10 स्वर वर्ण है, इस 10 स्वर वर्ण के 10 मात्राएं होते हैं। तो बच्चों मात्रा क्या होता है ना, व्यंजन के साथ जुड़ने वाले स्वरों के संकेतिक रूप। यानी कि मानो कि अगर हम बोलेंगे कि ई छोटी, जब हम इसको लिखेंगे मात्रा के हिसाब से तो ऐसे लिखेंगे, पूरा ई नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो ये होता है मात्रा, ये क्या होता है मात्रा। तो बच्चों जो व्यंजन के साथ जुड़ने वाले स्वरों के संकेतिक रूप होता है वो होता है मात्रा। सिर्फ अ स्वर का मात्रा नहीं होता है, और बाकी आ से औ तक 10 स्वर का मात्रा होता है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा आ की मात्रा, ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, अभी सिर्फ इसको याद करेंगे। आ की मात्रा देखो ऐसे होता है, एक लाइन की तरह लगा है, और ये व्यंजन के बाद आता है क पे आ की मात्रा का, जैसे काला। उसके बाद है छोटी की मात्रा, देखो बच्चों छोटी की मात्रा एक लाइन और एक टोपी जैसा लगा होता है, ये व्यंजनों से पहले लगता है, कहाँ पे लगता है व्यंजनों से पहले, कीला। उसके बाद है बड़ी की मात्रा है बच्चों, ये भी एक लाठी और एक उसके साथ एक टोपी जैसा, लेकिन ये व्यंजनों के बाद आता है, व्यंजनों के आगे आता है। बड़ी की मात्रा सीता। उसके बाद है ऊ की मात्रा, यानी कि छोटा ऊ की मात्रा, बच्चों ये ऊ की मात्रा व्यंजनों के नीचे आता है, लेकिन जब हम छोटा ऊ लगाएंगे तो थोड़ा बोलेंगे ना तो थोड़ा जल्दी सुनाई देगा, जैसे कि खुश, खुश, खु का उच्चारण जल्दी हो जाता है, तो ये होता है बड़ी ऊ का मात्रा जो व्यंजनों के नीचे आता है। उसके बाद है सॉरी छोटी ऊ का मात्रा जो व्यंजनों के नीचे आता है। उसके बाद है बड़ी ऊ का मात्रा, बच्चों देखो बड़ी ऊ का मात्रा ऐसे होता है, ये व्यंजनों के नीचे भी लगता है, लेकिन इसको बोलने के समय थोड़ा लंबा होता है, सूरज, देखो ऊ का उच्चारण थोड़ा लंबा आ रहा है, सूरज, ये होता है बड़ी ऊ का मात्रा। उसके बाद है रू का मात्रा, रू का मात्रा बच्चों नीचे लगता है व्यंजनों के नीचे, और ये ऐसे उच्चरित है ग्र कृ घृ गृह, इसके हिंदी में उच्चरित गृह, यानी कि ई रू के मिलाकर बोलते हैं। ग पे रू की मात्रा गृह गृह, कृषक, मृग, आप सब ये जानते हो। उसके बाद है ए की मात्रा, बच्चों ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगता है, देखो त पे ए की मात्रा ते, तेल, खेल, केला, ये सब होता है ए की मात्रा। उसके बाद ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा देखो ऊपर लगता है, और ए में एक लगता है तो ऐ में दो लगता है। म पे ऐ की मात्रा मई, मैना, नैना, थैला, ये सब होता है ऐ की मात्रा। उसके बाद है ओ की मात्रा, बच्चों देखो ओ की मात्रा एक ऊपर ए की मात्रा है और नीचे एक छड़ी है, तो ये जो ओ की मात्रा होता है व्यंजन के आगे लगता है। ग पे ओ की मात्रा गो, क पे ओ की मात्रा को, जैसे यहाँ पे शब्द लिखी हूँ गोपाल, ग पे ओ की मात्रा पाल, गोपाल, वैसे आप लिख सकते हो कोपा,
या सोना, ये सब आप लिख सकते हो। उसके बाद है औ। औ मत देखो ओ की तरह है, लेकिन यहाँ पे ई की तरह एक और ज्यादा जुड़ा है, तो ये भी व्यंजनों के आगे आते हैं। औ की मात्रा प पे, औ की मात्रा पौधा, न पे औ की मात्रा नौका, इसी प्रकार आप औ की मात्रा लगा सकते हो। तो बच्चों देखो ये रहा आपका पूरा मात्रा, 10 मात्रा और उसका संकेत 10 स्वरवर्ण और उसका संकेत रूप यानी कि मात्रा और उसका प्रयोग आ से लेकर आउ तक, आप इसको ध्यान से देख सकते हो। उसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखी है, र में ऊ और ऊ की मात्रा। देखो मैंने यहाँ पे बोल के गई कि ऊ की मात्रा हमेशा व्यंजनों के नीचे लगता है, जैसे कु या गु ये, लेकिन सिर्फ र में बच्चों देखो मैं ध्यान दो मेरे लिखाई पे, र अगर ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये र के पेट में आएगा, कहाँ पे आएगा, रूप र के पेट में आएगा। उसी प्रकार छोटी ऊ की मात्रा लगाओगे तो वो भी पेट में आएगा, र पे ऊ की मात्रा रू। तो जो बच्चों रू के र पे ऊ की मात्रा हमेशा उसके पेट में आता है, इसलिए मैंने लिख दिया र पे ऊ की मात्रा पेट में लगता है। और र का भी सांकेतिक रूप होता है, देखो जैसे बाकी व्यंजनों का नहीं होता है उसको हम आधा लिखकर वैसे जोड़कर लिखते हैं, लेकिन र को देखो मानो कि नर्क न र क, इसको अगर लिखेंगे शब्द में तो ये होगा न क पे रेफ, तो ये होता है र का सांकेतिक रूप जो कि ऊपर लगता है, इसको हम रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफ। और एक प्रकार का लगता है जैसे कि देखो चक्र च कर यानी कि चक्र, ये ऐसे लिखते हैं हम, इसको बोलते हैं र की मात्रा। देखो अगर हम व्यंजनों के पहले र बोलेंगे तो ये रेफ हो जाएगा, अगर व्यंजनों के बाद र आएगा तो ये र की मात्रा आएगा, क्र नीचे आएगा। अगर व्यंजनों के पहले र आएगा तो ऊपर के आएगा मात्रा, ऊपर आएगा उसका सांकेतिक रूप, और व्यंजनों के बाद अगर आ गया तो वो उसका सांकेतिक रूप नीचे आएगा। तो ये होता है र का दो प्रकार का रूप, जो कि एक ऊपर आता है और एक नीचे आता है। अभी हम हर स में कैसे जोड़ेंगे रू को, थोड़ा अलग देखो, बाकी सब में ये ऐसे नीचे आ जाता है रू का मात्रा, ग पे रू का मात्रा, लेकिन ह में कैसे आता है ना, यहाँ पे आता है रू, और उसके साथ स में कैसे आता है, स युक्त रू अगर करेंगे तो ये कैसे होगा ना, ये ऐसे आएगा, ऐसे आधा ऐसे आएगा रू। ठीक है बच्चों, तो ये हम जान लिए इसी क्लास में कि वर्णमाला कितने प्रकार है, कौन से वर्णों के मात्राएं होते हैं और मात्राएं कैसे कैसे होते हैं। मुझे लगता है कि आप सबको ये समझने में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हो।